आप देख रहे हैं नेशन लाइव, हर पल आपके साथ। गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर थाना क्षेत्र में देर रात दो पक्षों में विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि जमकर लाठी डंडे चले, जिसमें 8 लोग घायल हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मारपीट में घायल लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका उपचार कराया जा रहा है। घायल लड़की की अगर माने तो जब वह सो रही थी, तब पड़ोस में रहने वाला लड़का उससे सोते समय छेड़छाड़ करने लगा। जैसे ही उसकी आंखें खुली तो इसके बाद दोनों पक्षों में विवाद बढ़ गया। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों में लाठी डंडे तक चल गए, जिसमें सभी ये लोग घायल हो गए। वहीं पुलिस मामले की जांच करने के बाद कार्रवाई करने की बात कर रही है। लड़ाई है लॉकडाउन से करीब 3 महीने हो गए, ज्यादा ही हो गए 3 महीने। किस बात को लेकर थे? उस बात पे लेकर है, रात को हमारे मम्मी पापा बाहर सोते हैं, हमारे भैंस है और एक ही कमरा आगे चौबंदी नहीं है। ये लड़की घर में सो रही है, दो बहन और छोटी छोटी जिसके पास होती है, इसके द्वारा आगे बढ़कर ये चिल्लाई जैसे इन्हें हाथ वाथ कुछ भी लगाया होगा तो ये चिल्लाई। तो बाहर से पापा मम्मी उठ गए, उन्होंने देखा, उन्होंने पकड़ लिया। सब मोहल्ले के इकट्ठे भी करे, सब मोहल्ले के भी आ गए। लड़की वे बंद कर लिए वहाँ पे। किस टाइम बंद कर लिए? ऐसे करे करीब 2:30 बजे। दूसरे पक्ष से भी कोई बंद किया था पुलिस? नहीं करा। और हमने बोला भी, अगर चलो गलती भी है दोनों की तो तुमने उन्हें क्यों नहीं बंद करो, उन्हें भी बंद करो। तो वहाँ के लोग गाली देने लगे, महिला पुलिस ने भी गाली दी है मुझे, कह रहे तुझे भी अभी डंडे लगाऊंगी, अन्य यहाँ से चले जाओ बार बार। तो मतलब आपका कहना कि आप जब शिकायत के लिए गए तो पुलिस ने आपको बिठा लिया? हाँ, हमें बिठाया नहीं उन्होंने, हमने कहे कि अगर बंद कर रहे हो तो दोनों को बंद करो, उन्हें भी करो। उन्हें कह रहे ऐसे कैसे हो जाएगी, बस वही बंद कर लिया।